नमस्ते एंड वेलकम टू ऑल द व्यूअर्स ऑफ सतोलॉजी। सतोलॉजी आपका अर्थ मालूम ही है, मींस साइंस ऑफ ट्रूथ और स्टडी ऑफ ट्रूथ। अपोजिट ऑफ दैट इज मिथोलॉजी, व्हिच मींस साइंस और स्टडी ऑफ फेक लाई और इमेजिनेशन। आप सबको मैं इसलिए बोलता हूँ, कुछ लोग नए दर्शक जुड़ रहे हैं और उन सबके लिए इम्पोर्टेंट है इसका मतलब जानना। मैं चाहता हूँ कि जब आप वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट में बात करें तब आप सतोलॉजी शब्द का यूज करें एज एन एंटोनिम ऑफ मिथोलॉजी। भारत के लिए बेस्ट जो है वो है इतिहास। इतिहास रामायण महाभारत इतिहास है एंड दैट इज अ मच डीपर वर्ल्ड। और अब्राहमिक फेथ सारा हिस्ट्री है क्योंकि वो एक मनगणत रूप से लिखा गया है, जिसको बोलना बताना है उसी हिसाब से लिखा गया है। सो विदाउट डिले लेट अस वेलकम आपके फेवरेट प्रोफेसर कुसुम लता केडिया जी। नमस्ते। नमस्कार जी। नमस्कार। तो जी आज आप लोगों को ये शीर्षक देख के बहुत से लोग चौंकेंगे, लेकिन आदित्य जी ने एकदम सही शीर्षक दिया है। ये कथा है पुनः मूसको भव, और ये फोरकास्ट स्वयं यूरो अमेरिकन 30-35 साल से कर रहे हैं। करेक्ट। अपने लोग उस पर आएंगे जी। एक्चुअली क्या अभी पिछले दो शोज हो चुके हैं इसी सीरीज में और दर्शकों को वो सारे दोनों शोज देखने चाहिए और उससे आपको इस शो का कॉन्टेक्स्ट पता लगेगा क्योंकि उसमें एक्सक्लूसिव बातें हुई है उन शोज के लिए। तो आपको ये तीनों शोज एक साथ देखने पड़ेंगे यू अंडरस्टैंड द होल स्टोरी, सिर्फ एक शो ही नहीं देखना पड़ेगा। सो कुसुमलता जी बिफोर आई स्टार्ट ऑफ, क्योंकि ये जो आप जो आपने जो अभी बताया है ये कि खुद यूरोपियन अमेरिकन यूरो अमेरिकन ने इसको प्रेडिक्ट किया है, एक बात मैं देखता हूं जब भी किसी को पूछते हैं अमेरिकन को कि आप किधर से आए तो वो अपना सोर्स कभी ये नहीं बोलता मैं अमेरिका से हूं, बोलता है आई एम इटालियन, आई एम दिस, आई एम फ्रेंच, आई एम, तो अपनी यूरोपियन नेशनैलिटी को अमेरिकन नेशनैलिटी से भी ऊपर रखता है। तो यहां से मैं शुरू करना चाहता हूं कि लाइक why this is so and why this is going to end, dono sides se please। acha to main aapka uttar thoda lamba sa de rahi please ha usme baatein aa jayengi। main ek kitab aap logon ko dikha rahi hu, the clash of civilization huntington ki, theek। ye kitab chhapi thi 1996 mein, छप गई थी, यानी आज से करीब करीब 28 साल पहले। उसके पहले एक पेपर आया था, लिखा गया होगा 2 साल और पहले, यानी 30 साल पहले। इसका ये जो कंटेंट वाला पोर्शन है, कंटेंट वाला, इसका ये आखिरी द फ्यूचर ऑफ सिविलाइजेशन जो मैंने अंडरलाइन किया है, ये क्या कह रहा है, द रिन्यूअल ऑफ द वेस्ट, और उस पे लगाया है क्वेश्चन मार्क। यानी 1996 में तो पुस्तक छप गई, 1992 वगैरह में कभी इसका लेख है, यानी 90s में अमेरिका का स्ट्रेटेजिस्ट हंटिंगटन, क्या यूरोप वेस्ट में, यूरोप भी आ गया अमेरिका भी आ गया और तीनों ऑफ शूट आ गए, क्या इनका रिन्यूअल होगा, प्रश्न चिन्ह है। और रिन्यूअल शब्द में ही मृत्यु, पुरानापन, बासीपन, इनका स्केल हो जाना, बेकार हो जाना, रिन्यूअल शब्द में ही अंतर्निहित है। भारतीयों को नहीं पता, तो नहीं पता तो जी ये आपका अनपढ़पन है। और भारतीयों में कोई सब भारतीयों को तो जानना नहीं है, 1 लाख भारतीय जान ले, दोज हु आर डिसीजन मेकर, पॉलिसी मेकर्स एंड ओपिनियन मेकर्स, इन लोगों ने हंटिंगटन तो पढ़ा, हंटिंगटन का कंटेंट भी ध्यान से नहीं देखा। हंटिंगटन कंटेंट भी ध्यान से देखते तो पढ़ते द रिन्यूअल ऑफ द वेस्ट,
यानी 90s में अमेरिका को वेस्ट के रिन्यूअल पर न केवल प्रश्न चिन्ह है, वरन प्रश्न चिन्ह को पब्लिक डोमेन में, पब्लिक डिस्कोर्स में डाला जा रहा है। एक दूसरा, ये जो मैंने आप लोगों को नॉर्मन डेविस बार बार यूरोप वाले सीरीज में शुरू से दिखाया, इसका कंटेंट ये जो है छोटा सा, इस सबसे नीचे जो ये लिखा हुआ है, तो अध्याय 12 अध्याय है, 11वां अध्याय कह रहा है यूरोप इन एक्लिप्स 1914 से 1945। इसीलिए आदित्य जी ने जो टाइटल दिया है वो क्या दिया है, एक्लिप्स और फाइनल एग्जिट फ्रॉम वर्ल्ड स्टेज। तो ये जो टाइटल दिया है इन्होंने वो इसीलिए कि एक्लिप्स की अवधि क्या है, 1945 के पहले, 1945 के बाद क्या है, हंटिंगटन के लिए रिन्यूअल होगा कि नहीं होगा, यानी मरखत तो गया, खड़ा होगा कि नहीं, इसलिए ये क्षरण नहीं है, ये पतन नहीं है, ये फाइनल एग्जिट है फ्रॉम वर्ल्ड स्टेज, ये फाइनल समाप्ति है, मूसक पुनः मूसकत्व को प्राप्त हो रहा है। और ये मैंने सुनाया फ्रॉम हॉर्सेस माउथ। दो, अब हम ले रहे हैं, अपने लोगों ने ये जो सीरीज शुरू किया इसके पहले भाषण में आपको ध्यान होगा कि मैंने एंगस मेडिसन को कोट किया था, ठीक, और मैंने चलते चलते कहा था कि आंकड़े इसके फर्जी हैं। तो आज जो बात मैं हाईलाइट करने की कोशिश कर रही हूं वो ये कि यूरोप और अमेरिका के जिस सुपर पावर होने की, एक जिस इकोनॉमिकली टेक्नोलॉजिकली साइंटिफिकली डेवलप होने का एक हम लोग कथा देखते हैं, कथा एक हम फिल्म देखते हैं, एक हम ड्रामा देखते हैं, वो तो हवा हवाई है। हवा हवाई क्यों है, हवा हवाई है आंकड़ों के आधार पर। ये आंकड़े मुझे कौन सप्लाई कर रहा है, यूरोप और अमेरिका का थिंक टैंक। अब मैंने अपने भाषण में जिक्र किया था साइमन कुजनेट्स का। साइमन कुजनेट्स कौन है, जहां तक मुझे याद है अमेरिकन इकोनॉमिक एसोसिएशन का प्रेसिडेंट रहा है। ये पुस्तक द वेल्थ एंड पॉवर्टी ऑफ नेशंस, ये पुस्तक नहीं महत्वपूर्ण है, पुस्तक में जो कुछ तथ्य दिए हैं, इसका पृष्ठ संख्या 195 का एक पैराग्राफ मैं पढ़ूं। इसका सार क्या है, ये सारा जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शब्द है ये 18वीं शताब्दी में नहीं गढ़ा गया, 20वीं में गढ़ा गया, लेट 19th में गढ़ा गया। एक बात, यानी जब इनके अनुसार वो घटना घट रही थी जिस पर हम यूरोप के सीरीज में अलग से बात करेंगे, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, वहां किसी को समझ ही नहीं आ रहा है कुछ हो रहा है, कारण कुछ हो ही नहीं रहा है। और दूसरी बात जो हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं, ये आंकड़े 20वीं शताब्दी में नहीं, 20वीं शताब्दी के सेकेंड हाफ में गढ़े गए। वो क्या कह रहा है, एक्लिप्स कब है, 1914 से 1945, यानी जब नीचे ढलान पर आने लगे तब ये आंकड़े गढ़े गए। और ये आंकड़ों का गढ़ना मनमाना कंजेक्चर, फैब्रिकेशन और गेस्टिमेट है। इसके बाद ये पढ़ के सुनाना जरूरी है, नहीं तो किसी को भरोसा नहीं होगा। तो ये मैं पढ़ रही हूं
इस पुस्तक से पहले इसके पेज संख्या 195, व्हेन इज अ रेवोल्यूशन नॉट अ रेवोल्यूशन, ये इसकी टाइटल है, सब टाइटल। जब ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का संदर्भ है, जब रेवोल्यूशन रेवोल्यूशन है ही नहीं, व्हेन इज अ रेवोल्यूशन नॉट अ रेवोल्यूशन, बिगिनिंग इन द लेट 1950s, however, numerically minded economic historians began to construct measures of aggregate growth during the 18th and early 19th centuries. 1950s में शुरुआत होती है. This was a natural extension of historical work on national income for more recent periods where data were fuller or more reliable. शब्द सुनिए, when where data were fuller, comparative है, 1950 के बाद जब आंकड़े फुल है, ये नहीं कह रहा फुलर, पहले से बेहतर है, एंड मोर रिलायबल, ये भी अभी फाइनल नहीं है कि निश्चित रूप से रिलायबल है, कब, 1950 के बाद भी, बट एज वन वेंट बैक इन टाइम बिफोर द सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ नंबर्स बाय गवर्नमेंट ब्यूरोज विच इज आफ्टर 1950, सच रिकंस्ट्रक्शन इंटेल्ड अ हीरोइक एक्सरसाइज ऑफ इमेजिनेशन एंड इंजेन्युइटी, कल्पना किसके द्वारा, ये अपने को अर्थशास्त्र इकोनॉमिस्ट कहते हैं, अर्थशास्त्री कहना ही नहीं चाहिए, इकोनॉमिस्ट के द्वारा, जो अपने को आर्ट का नहीं मानते, ह्यूमैनिटीज का नहीं, साइंस मानते हैं इकोनॉमिक्स को, तो वहां क्या है, सच रिकंस्ट्रक्शन इंटेल्ड अ हीरोइक एक्सरसाइज ऑफ इमेजिनेशन, साधारण इमेजिनेशन नहीं, हीरोइक एंड इंजेन्युटी, यूज एंड फ्यूजन ऑफ डिस्पैरेट फिगर्स, use and fusion of disparate figures estimated or collected at different time for different purpose on different basis, use of proxies justified by often arbitrary and not always specified assumptions concerning the nature of economy, assignment of weights drawn from other contexts and periods, index problems galore, use of customary or nominal rather than market price hai nahi, interpolations and extrapolations without and thereby soothing and blurring breaks in trend. एक मिनट, दो चार लाइन और पढ़ना चाहती हूँ. It will not come as a surprise then that these constructions have varied with the builder. जो इसका मना रहा है, कौन, economist, the scientist, and have changed over time, अभी ये कहा, तब ये कहा, तब ये कहा, that the latest estimate, calculation नहीं, preciseness नहीं, estimate, ये कब की बात है, post 1950, is not necessarily better than the one before, the estimators would not agree, एक एक देगा, दूसरा दूसरा देगा, and that the appearance of precision is not an assurance of robustness or a predictor of durability. आज मैं इसको कंक्लूड करूंगी, तो मैं ये कहूंगी
जो जान जो लोग ज्यादा विस्तार से देखना चाहते हैं पेज 195, 196, 197 और दो चार लाइन 198 का पढ़ डालो। मोटी बात क्योंकि भाषण में संक्षेप में ही हम बात कर सकते हैं। अब ये स्वयं ये जिसके आधार पर इंटरनेशनल एजेंसीज गवर्नेंस को प्रेस्क्राइब करती हैं, वो स्वयं क्या कह रहा है। एंगस मेडिसन स्वयं डाटा की बात कर रहे हैं, डाटा के बारे में क्या कह रहा है ये देखिए। यहां से पुस्तक की शुरुआत हो रही है इंट्रोडक्शन एंड समरी, पूरा पन्ना नहीं है, ऊपर से इतना गायब है। यानी जहां से मैं ये पढ़ने जा रही हूं ये वाला, ये एक तरह से पहले पेज पे क्या कह रहा है। इन द पास्ट एंगस मेडिसन हिमसेल्फ ओईसीडी का पब्लिकेशन इटसेल्फ किसके बारे में, वेस्ट यूरोप एंड अमेरिका। इन द पास्ट क्वांटिटेटिव रिसर्च इन इकोनॉमिक हिस्ट्री हैज बीन हेवीली कंसंट्रेटेड ऑन द 19th एंड 20th सेंचुरी व्हेन ग्रोथ वाज फास्टेस्ट। झूठ सेंटेंस। ये क्या बता रहा है कि सारा कैलकुलेशन 1950-20वीं के बाद शुरू हुआ है। इंटरपोलेशन एक्सट्रापोलेशन है 1918 का, जो कब किया गया है, सेकेंड हाफ ऑफ 20th में। टू गो बैक अर्लियर इन्वॉल्व्स यूज ऑफ वीकर एविडेंस, ग्रेटर रिलायंस ऑन क्लूज एंड कंजेक्चर्स। माइथोलॉजी आई एम जस्ट शॉक्ड कि सारे इंडियन जो पॉलिटिशियंस हैं और सो कॉल्ड इकोनॉमिस्ट हैं सब एंगस मेडिसन को कोट करते हैं, और आज आपने एंगस मेडिसन के बारे में सच बताया है। बारे में नहीं, फ्रॉम हाउ हॉर्सेस माउथ एंगस मेडिसन अपने इंट्रोडक्शन के पहले पन्ने में जो कह रहा है। ये गधे, गधे किसको कह रही हूं ना, ये गधे उसको भी नहीं पढ़ते। अरे भाई इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो तो मेथोडोलॉजी तो देखना पड़ेगा ना, किस मेथड से ये इस पर आया है। पहला पन्ना आगे सुनिए, ग्रेटर रिलायंस ऑन क्लूज एंड, अभी आगे पढ़ेंगे तब तो आप हंसेंगे हा हा करके। हाँ, क्लूज एंड कंजेक्चर्स नेवरदलेस इट इज अ मीनिंगफुल, नेवरदलेस क्लूज है कंजेक्चर्स है, नेवरदलेस इट इज अ मीनिंगफुल यूजफुल एंड नेसेसरी एक्सरसाइज बिकॉज differences in the pace and pattern of change in major parts of the world economy have deep roots in the past. So let us blur, blacken, mudden the past according to our whims and fancies. पोत लो, कर लो, करके निकलेगा क्या, मूसक हो मूसकत्व को प्राप्त हो रहे हो। मैं दो दो लाइन केवल सुना रही हूं आप लोगों को। फिर ये कहता है, अरे मेरा पन्ना पिन निकल गया क्या, एक पिन गायब हो गया, एक मिनट। एक चीज, अच्छा इसको हम बाद में बता देंगे, वो बहुत जरूरी है लेकिन बाद में। हाँ, अब आ रहे हैं एंगस मेडिसन के पेज 49 पर। पेज 49 जो है ये मोटा मोटी मेथोडोलॉजी पर आधारित है। तो पेज 49 पर क्या कह रहा है, ये बात कर रहा है पॉल बैरक के बारे में। पॉल बैरक कौन है, ये उन दो चार लोगों में है जिन्होंने इस क्वांटिफिकेशन का सीरियस एफर्ट किया। और ये क्वांटिफिकेशन क्या है, कंजेक्चर्स, क्लूज, गेस्टिमेट्स। तो ये पॉल बैरक का जो मामला है
ये है, पॉल बैरक के मामले पर कमेंट कर रहा है एंगस मेडिसन। पॉल बैरक बेस है जिस पर सारा क्वांटिफिकेशन खड़ा किया है इन लोगों ने अपने एनालिसिस के लिए। हिज फिगर्स यानी पॉल बैरक्स फिगर्स फॉर दीज एरियाज वर एसेंशियली गेस्टिमेट्स। भाई भारत में विद्या की जो परंपरा है उसमें गेस नाम का शब्द कोई लाए गेट के बाहर, अहमक तू भीतर घुसा कैसे, ये क्या कह रहे हैं। वन एसेंशियली गेस्टिमेट्स, बैरक कंसिस्टेंटली टुक द पोजीशन दैट द थर्ड वर्ल्ड हैड बीन इम्पावरिस्ड बाय द रिच कंट्रीज एंड ही वॉज इन फैक्ट fabricating ammunition for this hypothesis. OECD का official economist Paul Barak के लिए ये कह रहा है, जो ये सारे calculation, quantification के पिताजी हैं, दादाजी हैं, नाना जी हैं, क्या कह रहा है। In fact, he was fabricating. आदित्य जी का माइथोलॉजी सत्तोलॉजी, फैब्रिकेटिंग अ मेथ। अब आगे सुनिए, अगला पैराग्राफ छोड़ के पढ़ रही हूं। इन स्पाइट ऑफ इट्स शेकी फाउंडेशंस बैरक्स असेसमेंट हैज बीन इन्फ्लुएंशियल। ये लोग इन्फ्लुएंशियल हैं, तो बाकी लोग क्या हैं। ब्रॉडल 1985 volume 3 page 5334 acknowledged the great service Paul Barak has rendered to historians. Paul Barak ko ye kya keh raha hai, fabricating ammunition, aur usi ko kya keh raha hai ki Brodel, ye bhi ek important naam hai quantification ke area mein, ग्रेट सर्विस किया उस आदमी ने। एंड बिलीव इट इज वर्चुअली बियॉन्ड क्वेश्चन क्या दैट यूरोप वॉज लेस रिच देन द वर्ल्ड इट वॉज एक्सप्लॉइटिंग इवन आफ्टर द फॉल ऑफ नेपोलियन। नेपोलियन का फॉल कब है, 1811 ट्रीटी ऑफ वीना। तो 1811 बिगनिंग ऑफ 19th सेंचुरी, बिगनिंग ऑफ 19th सेंचुरी में भी यूरोप उन देशों से गरीब है, उन देशों से जिनको वो लूट रहा है, जिसकी चिंता आदित्य जी कर रहे हैं। अर्ली 19th सेंचुरी में ये लूट रहा है सेंट्रल अमेरिका को, होंडुरास, मेक्सिको और सब देश का नाम वो शायद पापुआ नी गियाना, वेनेजुला, ये सब सारे जो देश हैं जिनको आज तुम गिनते नहीं हो। तो बिगनिंग ऑफ 19th में दे वर मच रिचर, मच एडवांस देन दिस स्टुपिड यूरोप। आगे सुन लो थोड़ा सा, अच्छा रुकिए, अब इसको हम छोड़ रहे हैं। अब इसको छोड़ के हम एक दूसरी चीज पर आ जा रहे हैं। एक चीज बस आप लोग को बता दे रहे हैं कि जो ये यूरोप की कथा फैब्रिकेट की गई, ये जो माइथोलॉजी रचा गया, क्या माइथोलॉजी, पोस्ट कोलंबस, पोस्ट वास्को डिगामा या पैरेलल, यूरोप में ये हुआ वो हुआ वो हुआ, कोई रेनेसा हुआ, कोई रिफॉर्मेशन हुआ, कोई एनलाइटनमेंट हुआ, कोई साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ, ये क्या है फर्जी वाड़ा। केवल एक प्राइमा फेसी, इनका रेनेसा कब बताते हैं, 1400 कुछ 1516। इनका इंक्विजिशन कब है, अगर रेनेसा हो गया है तो इंक्विजिशन क्या है,
चौदहवीं पंद्रहवीं सोलहवीं सत्रहवीं शताब्दी तो इंक्विजिशन की शताब्दी है ना, भयंकर पैशाचिक ढंग से स्त्रियों को काटना मारना जलाना सब करना, जिस पर हम लोग बात करेंगे, अभी तक मैंने उसको छुआ नहीं है। तो ये क्या है, जब इनका घोरतम पैशाचिक है उसको ये रेनेसा कहते हैं, इसी तरह रिफॉर्मेशन जिसको कहते हैं, प्रोटेस्टेंट लोगों ने और नरक अधिक किया, जिसको ये एनलाइटनमेंट कहते हैं उस पर भी हम बात करेंगे, जिसको ये पोस्ट साइंटिफिक कहते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर उस पर भी हम बात करेंगे। तो ये सब जो हो रहा था ये फैब्रिकेशन की जरूरत जो पड़ी। मैं फिर एंगस मेडिसन के पेज 33 के नीचे का पढ़ रही हूं, दो पैराग्राफ, वेस्ट यूरोपियन एक्सपीरियंस। अंटिल द 19th सेंचुरी यानी 1899 तक पॉपुलेशन ग्रोथ वॉज रेपिटेडली इंटरप्टेड बाई क्राइसिस ऑफ वेरिंग फ्रीक्वेंसी एंड सीवियरिटी। ये सबके लिए कह रही हूं, 1899 तक जो जनसंख्या में वृद्धि थी वो बार बार डिस्टर्ब हो रही थी, टूट जा रही थी, क्यों, अनेकानेक क्राइसिस आपदाओं के कारण जिनकी फ्रीक्वेंसी जो बार बार आपदाएं आ रही थी और सीवियरिटी बहुत गंभीर रूप से सीवियर थी, कठोर थी। दीज वर ऑफ थ्री मेन टाइप्स। 1899 तक आपदा, जनसंख्या की वृद्धि, टूट जा रही थी, अरे सीधे कहना लोग मर जा रहे थे बड़ी संख्या में, जितने जन्मते थे उससे ज्यादा मर जाते थे, ये लफ्फा जी। तो क्या कह रहे हैं, दीज वर ऑफ थ्री मेन टाइप्स, क्या, हंगर क्राइसिस ड्यू टू हार्वेस्ट फेलियर, फसल चौपट हो जाती थी, अनाज का अकाल पड़ जाता था, भूखमरी से इतनी बड़ी संख्या में मर जाते थे कि जो इंक्रीजिंग रेट ऑफ बर्थ था वो ऑफसेट हो जाता था, यानी जन्मने से ज्यादा मर गए क्योंकि फसल खराब हो गई, यानी तुम्हारे पास सरप्लस अनाज स्टोरेज का नो सिस्टम। दूसरा, वेव्स ऑफ इंफेक्शियस डिजीजेस, बार बार कोरोना है उस पर हम चर्चा करेंगे, अभी नहीं किया है, प्लेग है, टाइफाइड है, फ्लू है, प्लेग, बहुत सारा चीज है, और वॉर, इस बीमारी में अभी जितने मरे इनके इससे कई गुना अधिक मर जा रहे थे, और वार, इतनी लड़ाई यूरोप लड़ रहा है कब, 1899 तक, और 1914 से 1945, फिर 1945 से 1990 कोल्ड वॉर, और 1990 के बाद का तो कथा सबको पता है। These different types of casualty were of course interactive in varying degrees, यानी भूखमरी, बीमारी और लड़ाई तीनों इंटरकनेक्टेड हैं, कब, 1899 तक, और 1914-1945 तुम्हारा एक्लिप्स है, ग्रहण का काल है, तुम चमके कब थे यार, चमकने का झूठ तुमने रचा है 1950 के बाद। एक लाइन और, एज यूरोपियन कंट्रीज ऑपरेटेड मच नियरर टू सबसिस्टेंस लेवल्स, क्या वाक्य, जिसको बिलो पावर्टी लाइन कहते हैं अपने यहां, ये भूखमरी की लाइन नहीं है,
बिलो पावर्टी लाइन के लोग भारत में 1947 के बावजूद, कांग्रेस के बावजूद भूखमरी बीमारी के शिकार नहीं। क्या कह रहा है? As European countries operated much nearer to subsistence level, या subsistence भूखमरी, इसको बाद में बताऊंगी, in the past than is now the case with poor transport and storage facilities, harvest failures could create big spikes in mortality. सीधे नहीं कह रहा, इतने मर जाते थे, सड़क तो थी ही नहीं, इलाके के इलाके सफेद हो जाते थे। सफेद क्यों? कंकाल सड़क पर पड़ के कुत्ता बिल्ली सियार जो भी उनका भेड़िया जानवर चील कौवा वहां क्या होता है, खा गए, सूख गया, खत्म हो गया। सफेद सफेद हड्डियां चमक रही हैं, इलाके सफेद हो जा रहे हैं। Could create big spikes in morality. They also affected birth rate. अब हमको लगेगा अच्छा birth rate कम हो गया, क्यों कम हो गया? Because dietary deficiencies caused amenorrhea or led young couples to postpone marriage. इतना कम खाने को मिल रहा है, प्रोक्रिएशन की सामर्थ्य नहीं है। कब? 19th century तक, 1899 तक। तुम्हारी चमक कब थी जी? अ मेजर इंस्टेंस ऑफ दिस टाइप ऑफ क्राइसिस वॉज द पोटैटो फेमिन विच डबल द नॉर्मल डेथ रेट इन आयरलैंड ओवर 6 years 1846 से कम। 1846 और 51 मिड 19th century। आयरलैंड कौन है? यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन का एक प्रोविंस। यहां पर आलू की फसल बिगड़ गई, तो जो बर्थ रेट थी, डेथ रेट था, डबल हो गया। अब मेरे जैसा आदमी तो खोपड़ी लगाता है तो समझ जाता है, सामान्य भारतीय पढ़ेगा आगे बढ़ जाएगा, उसको ये नहीं समझ में आएगा आयरलैंड के इलाके सफेद हो गए। सफेद हो गए तो बोलेगा बर्फ बर्फ गिरा होगा। नहीं भैया जी, हड्डियां, और हड्डियां क्यों? लाशें सड़क पर सूख गई जानवरों के खाने पीने नोचने के बाद। एक्सेस डेथ्स वर नियरली 1 million or about 12% of the 1845 of Aditya ji, mythology. आपने तो पूरा तोड़ दिया इनका पूरा mythology. अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है ये पढ़ के कि जितने मैं नाम किसी का नहीं लूंगा लेकिन गधे ही बुलाऊंगा, क्योंकि आपने गधे बुलाए पहले। गधे गधे और तो गधे नाराज हो सकते हैं अपने लोग से। हाँ, सिर्फ गधे ही नाराज होंगे और कोई नहीं। डोंकी राइट का वॉयलेशन होगा। डोंकी राइट्स, आई थिंक वीडियो का टाइटल यही अच्छा रहेगा, डोंकी राइट्स किसको मिलना चाहिए। एक्चुअली जिस बात को यूरोपियंस ही एक्सेप्ट नहीं करते, हमने उनको भी वैलिड बना दिया है। मतलब किस ग्रेड के ये लल्लू पंजू लोग हैं, किस ग्रेड के, जो ये नहीं पढ़ते हैं और जो ये पढ़ के समझ नहीं पाते हैं। कौन हम बात बोल रहे हैं? ब्यूरोक्रेट, नेता को छोड़ दो बेचारे को, ब्यूरोक्रेट, पॉलिसी मेकर, हमारा जज मिलॉर्ड, हमारा वकील, हमारा इंजीनियर, हमारा डॉक्टर, तुमको ये भी नहीं पढ़ना आता है? इतनी भी अंग्रेजी तुम लोग को नहीं आती है, अंग्रेजी दा बनते हो? तो जो आज का विषय है कि साहब हाथी नहीं मर रहा है, मरियल गधा, मरियल खच्चर
कौन मरियन खच्चर यूरोप यूरोपियन ऑफशूट। कुछ दिन खूब खाया पिया, लूट लूट मार मार काट काट, वो तो हम लोग बता ही चुके हैं, दूसरों के साथ अपनों के साथ। पेचिस हो गया, डिसेंट्री हो गया, कभी वो रोबस्ट हेल्दी इकोनॉमी नहीं था, कभी भी वो रोबस्ट हेल्दी सोसाइटी नहीं था, कभी भी रोबस्ट हेल्दी क्वालिटी नहीं था, कभी भी रोबस्ट हेल्दी कल्चर नहीं था। धर्म तो था ही, चर्च था। तो जब धर्म नहीं है, धर्माधारित नहीं हो, तो तुम पिशाच की तरह, प्रेत की तरह नोच सकते हो, काट सकते हो, खा सकते हो, स्वस्थ कैसे होगे? पुनः कंकालत्व को प्राप्त करना नियति है। पाप, असत्य, अधर्म, तमस और इन सब का समुच्चय का फलश्रुति हिंसा। हिंसा ही गांधी जी वाला नहीं, जो हमारे शास्त्रों में हिंसा लिखा है। ऐसा समाज, पॉलिटी राजनीति नहीं कह रही हूं, पॉलिटी इकोनॉमी सोसाइटी कल्चर रिलीजन कंकालवत की था। कंकालवत पर थोड़ी चमड़ी चढ़ी और कंकालत्व को पुनः प्राप्त हो रहा है। अब इसके और 8-10 कारण, आज मैं इस सीरीज को कंक्लूड कर दूंगी, 8-10 चीजें और बताऊं, लेकिन मोटी बात जो मैंने कहने का प्रयास किया, ऐसा नहीं है कि कभी चढ़े थे पहाड़ पे अब उतर रहे हैं। पहाड़ पे चढ़े होने का मिथ आंकड़ों की सहायता से रचा गया। जो सड़कें चमकीली थी, जो मकान थे, जो बिल्डिंग थी, वो दूसरों के लूटे हुए धन पर, और ए वेरी ब्रीफ पीरियड था। इनके भवन देखिए आप, जो पिछले 50-60 साल 70 सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद के जो भवन बने हैं, स्थापत्य बहुत बड़ा उदाहरण होता है। कितने अगली हैं, कितने इनएफिशिएंट हैं, कितने एनर्जी कंज्यूमिंग हैं, कितने रिसोर्स कंज्यूमिंग हैं, कितने रहने वाला प्राणी कौन है उस मकान के भीतर, बिल्डिंग के भीतर, मनुष्य, उस मनुष्य के लिए कितने अनुपयोगी हैं और कितने भद्दे और क्रूर हैं। केवल भवन को आप उठा कर देख लीजिए। अब आइए दूसरा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐड करता हूँ। हमारे यहाँ पे, हमारे चैनल पे 2-3 काफी वेस्टर्न माइंडेड एनालिस्ट आए थे और वो भारतीय स्थापत्य कला को खराब साबित कर रहे थे। गधे, डोंकी राइट का लग गया मामला मेरे पर, कोई कोर्ट केस तो मैं बता नहीं सकती हूँ। डोंकी कंसूमी, कौन से वो 4 पांव वाले डोंकीज, कि भाई इनको कैसे डोंकी कहा, दे आर वर्स। एक्चुअली क्या है कि हमने तो किसी का नाम लिया नहीं है यहाँ पे, लेकिन जिनको समझ में आना चाहिए उनको समझ में आ गया होगा। अरे भारतीय छोड़ दो ना, भारतीय तो सर्वोच्च है। आप दोनों अमेरिका में बैठे हैं, अफ्रीका में है, एशिया में आप एस्किमोस को देख लीजिए, कुछ नहीं है, बर्फ है। और एक उनके पास वो कौन सा जानवर है जिसकी हड्डियां वो ला के लगाते हैं और उसके ऊपर बर्फ जमाते हैं। दे नो हाउ टू बिल्ड अ कंफर्टेबल ब्यूटीफुल हाउस। आप इक्वेटर पर चले जाइए, विषुवत रेखा पर, दे नो हाउ टू मेक अ ब्यूटीफुल एंड कंफर्टेबल हाउस। पोस्ट सेकंड वर्ल्ड व्हाट हैज बीन मेड इज नॉट ओनली अनएस्थेटिक, इट इज अग्ली, नॉट यूजफुल। अच्छा, और ले लीजिए बहुत सारी चीज फटाफट, सड़कें, कार, एविएशन,
पानी में जहाज लेके गए तो साला पानी को हाइसिस को नाश कर दिया। यहाँ पर इतना पेट्रोल फैल गया, वहां उतना तेल फैल गया, वहां इतना प्लास्टिक डाल दिया। वाई? बिकॉज यू आर स्टूपिड फूल, यू डिड नॉट नो वॉट यू आर एक्सट्रैक्टिंग आउट ऑफ अर्थ ऑयल, वॉट टू डू विद इट। तुमने प्लास्टिक बना दिया एंड यू डिड नॉट नो हाउ टू हैंडल दिस प्लास्टिक। तुमने तेल निकाल के टैंकर से भेजा, यू डिड नॉट नो हाउ टू सेफली ट्रांजिट इट। अच्छा अब इसको लीजिए, आकाश को लीजिए, फैक्ट्री चलाया देखा देखी तो अपने घर के चारों ओर की हवा को चौपट कर दिया, विषाक्त कर दिया, एसिड रेन होने लग गए, तुम एटमिक एनर्जी में गए तो वो चेर्नोबिल जैसे मामले करने लग गए। तुमको घर गर्म करने की जरूरत थी, तुमने पूरा अपना एटमॉस्फेयर गर्म कर दिया, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हो। इट इज ऑल व्हाट दे आर से। सो पोस्ट 1945 टू दिस टाइम, इसको मान लीजिए आप 50, 5, 55 और 25, 60, 80 साल, ये 80 साल तो अटर अनसाइंटिफिक, अटर अनटेक्नोलॉजिकल, अटर इलॉजिकल स्टोरी है। तुमको जो पा गए थे अगर उसको लेकर जिंदा रहना था तो यू शुड हैव नोन सम काइंड ऑफ डिप्लोमेसी, यू शुड हैव नोन एटलीस्ट योर कैपेसिटी टू क्वारल, टू फाइट, टू हैव फ्रेंडशिप, टू हैव एनिमिटी। तुम कम से कम वो यूरोप नाम की चीज में जो भी था, जितना भी आर्टिफिशियल था, क्रिश्चियनडम से मुक्ति के लिए जो कुछ तुमने किया, तुम तो यूरोप के भीतर मरे जा रहे हो, तय नहीं कर पा रहे हो कौन सा हिस्सा यूरोप है कौन सा हिस्सा नहीं यूरोप, इतना प्रदीसा तुम तय नहीं कर पा रहे। तुम स्लाव कह के आधे यूरोप से लड़ रहे हो, तुम भूल गए कि तुम सबका एक रूट है, सेंट्रल एशिया के तातार, हूण या सार में कहें तो शक, जिनको तुम सीथियन कहते हो। और ये सब क्यों हुआ? ये सब हुआ चर्च के कारण, अधर्म के कारण, पाप के कारण, तमस के कारण, सनातन धर्म के पालन न करने के कारण। सनातन धर्म होता तो वर्णाश्रम होता, वर्णाश्रम होता तो तुम्हारे पास नारद सूत्र होता, तुम्हारे पास शुक्र नीति होती, तुम्हारे पास विदुर नीति होती। क्यों होती? क्योंकि ये तो सार्वभौम है, ये तो अभी 2000 साल पहले यवन लोगों के यहाँ हमारे शासक जो राज्य कर रहे थे इसके आधार पर कर रहे थे। हमारे महाराज विक्रमादित्य रोम के राजा को लाकर उज्जैनी में घुमाए हैं 1000 साल पहले। भाई अभी 700 साल पहले चंगेज खान का तुम नाम जानते हो, सनातन धर्म पर आधारित शासक ने तुम्हारे यहाँ शासन, और तुम इन लफंगे चकताई बाबर को मंगोल कहे जा रहे। अरे मंगोलों से, अपने पूर्वजों से तुमको इतना भय है, वो कह रहा है जी हम तैमूरी हैं, हम चकताई हैं, हम तुरक हैं, हम तैमूरी हैं, और तुम कह रहे हो नहीं जी तुम मोगल हो, मंगोल को पहले मंगोल को मोगल, मोगल को मुगल। वाई यू हैव सच टेरेबल इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, वाई यू हैव सच टेरेबल फियर साइकोसिस? फॉर वन सिंपल रीजन, सनातन धर्म के आधार पर जीवन संचालित नहीं। कुछ और बात कर लें तो फिर दो चार बातें मैं और कह डालूं। एक्चुअली मुझे क्या लगा सुनीता जी, कि जब आप ने बिल्कुल सही कारण बताया, आप चर्चिज्म बुलाते हैं और मैं क्रिश्चियनिज्म बुलाता हूं, दोनों एक ही चीज है। ये क्रिश्चियनिज्म या चर्चिज्म के चक्कर में पूरी दुनिया लोगों ने तहस नहस कर दी, गोल्ड ग्लोरियन गॉड पीपल बोल, पूरी दुनिया नहीं, इनकी औकात नहीं है।
पूरी दुनिया के एक हिस्से को तहस नहस करके इन्होंने केवल और केवल अपने लिए पाप अर्जित किया है। जितनी रोग और बीमारियां, रोग बीमारियां केवल देह की नहीं, समाज की, वातावरण की, पशु पक्षी की, इन लोगों ने अपने लिए इकट्ठी की है, कोई मामूली चीज है। एंड अ साइजेबल ग्रुप ऑफ देम इज रियलाइजिंग ऑल दिस, एक। और दूसरा, इसी कारण वहां देवी देवता पुनः उठ खड़े हो रहे हैं ना। आप तो वहां रहते हैं, आप ज्यादा जानते हैं, मैं तो किताब पढ़ के जानता हूं। आपको बड़ा आश्चर्य होगा और खुशी भी होगी कि मैं इस वीकेंड को एक कुमियाई विलेज में गया था। मैं ये नॉर्दर्न मेक्सिको का, मैं हमारे बॉर्डर से ये करीब 60 मील की दूरी पे है, 100 किलोमीटर की दूरी पे है मैक्सिकन अमेरिकन बॉर्डर से। वहां पर मैं गया गांव में, वहां के जो मूल निवासी है कुमियाए, जो हमारे जैसे सनातनी है, वो लोग सूर्य की पूजा बहुत करते हैं, सूर्य और चंद्र की। वहां पर उन लोगों को अपने आप को कुमियाई बोलने में शर्म आती है, क्योंकि ऐसा समाज में फैला दिया गया है कि ये लोग पेगान है, सैटन है। तो बेचारों के लिए मैक्सिकन गवर्नमेंट में, अभी नीचे नदी बारिश हुई थी, रोड बह गई और उस पर रोड भी नहीं बनाई ताकि लोग पहुंचे ना। और पूरे मैक्सिको के लोग वहां पे आते हैं मंदिर में, वहां पे एक मंदिर बना हुआ है, तो मतलब चर्च के डर से लोग बोलते नहीं है कि हम नहीं मानते, वहां पर भी जाते हैं, नहीं तो सोशल ऑस्ट्रेलाइजेशन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर भी आते हैं। एंड इतनी दुखद परिस्थिति है वहां पे, मैक्सिको गरीब देश नहीं है, मैक्सिको एक्चुअली उसके संसाधन उसके पास बहुत सारे हैं, लेकिन जो एक इमेज बनाई गई है ये सभी जो ये लोग इन्हीं लोग यूरोपियन अमेरिकन ने, कि जो भी नेटिव है वो कंडेम्ड है, मूल निवासी है, उस पर म्यूजियम बना देते हैं लोग। तो उसके बाहर ही एक म्यूजियम बना हुआ है, म्यूजियम सेलिब्रेटिंग कुमियाई कल्चर, तो वो हो गया पोस्ट मॉडर्निज्म। और जबकि यहाँ पे आप उनको मार रहे हैं, ना उनको जॉब्स हैं, ना वो बोल सकते हैं हम कुमियाई हैं, ना हम कुछ कर सकते हैं। इनका यही स्ट्रेटेजी था भारत में भी कि हिंदुइज्म को म्यूजियम में डाल देना, सनातन धर्म को डाल देना। और ये सब पुस्तकें हंटिंगटन ने और इन सब लोगों ने लिख लिख के उसको अपनी ही गलती को एक्सेप्ट कर रहे हैं, एक्चुअली बार बार ये बोलना चाहिए, एक्सेप्ट कर रहे हैं। प्लीज कंटिन्यू, आप बता रहे थे 8 पॉइंट्स 9 पॉइंट्स आप बता रहे जी। तो हम दो तीन तरह से इस विषय को रख रहे हैं। अगर प्योर इकोनॉमिक्स में हम घुस जाएं, तो भाई ये जो पूरा पॉल्यूशन वाला मामला है, ये क्या है? दोबारा क्रिएट किया हुआ है। क्या है इकोनॉमिक्स की भाषा में? एक्सटर्नल डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल, दैट मींस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन एंटायर इकोनॉमी गोज अप। ये जो इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन का मामला है, ये तुम्हारा क्यों किया हुआ है? क्योंकि तुमको पता ही नहीं है इकोनॉमी बला क्या है। तो कभी ये ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, कभी वो कम प्रोडक्शन हो रहा है, कभी ये इसके पीछे पूरी इकोनॉमी भागी, सडनली ये ऑब्सोलीट हो गया, फिर दूसरे के पीछे भागी। तो आप कर क्या रहे हैं? आप नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस का स्टूपिड, मैं ये सब टेक्निकल शब्द बोल रही हूँ, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस का स्टूपिड, अग्ली, पॉइजनस, इरेशनल इस्तेमाल करके उसको उसको क्या कहते हैं, कूड़ा बना के छोड़ दे रहे हो आप। कूड़े के बड़े बड़े आप अवशेष के पहाड़ बना के छोड़ दे रहे हो। तो अब अचानक इनके यहाँ एम्प्लॉयमेंट का मामला है। आप डेवलप भी हो और आपके यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट भी है, आपके यहाँ रिचनेस भी है, आपके यहाँ पॉवर्टी भी है। क्यों है? आपको पते नहीं है कि करना क्या है। आपने मैकेनाइजेशन किया, किस नाम पर? कि साहब हमारे यहाँ लोग कम हैं,
तो हमको मशीनों की जरूरत है, मशीन बहुत लोग का काम कर देंगे। तो भाई 1990 के बाद तुमने अपने शत्रुओं को, अपने डिक्लेयर्ड शत्रुओं को अपने यहाँ क्यों एंट्री दी 1990 के बाद? ये जो मुस्लिम प्रॉब्लम आप लोग गाना गा रहे हो भाई, 90 तक मैंने पहले आपके यहाँ बताया है, या उसको भी छोड़ दे भाई, इजराइल वाला मामला तो 1945 से है, ओसामा बिन लादेन वाला मामला मेरी समझ से सोवियत रशिया के विखंडन 1889 के आसपास से, ये जो सो कॉल मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं, ओटोमन एम्पायर तुमने तोड़ा पहले, उसका झंझट था, फिर ये जो अरब कॉन्शियसनेस खड़ा किया उसका झंझट था, फिर ऑयल का एक्सप्लॉयटेशन था, तुम्हारे प्रति घृणा तो यहाँ भयंकर थी, तो तुम इनको अपने यहाँ भर्ती कर लिए क्या कह के, तो साहब हमारे यहाँ मैनुअल लेबर की जरूरत है, तुम्हारी मशीनों और टेक्नोलॉजी का क्या हुआ भैया? मैंने सब कुछ अस्त व्यस्त जहां चल रहा है वो प्लानिंग का मॉडल के रूप में जिनके सामने है उनको गधा कहना, गधे का अपमान करना, लेकिन मुझे और कोई शब्द सूझ नहीं रहा, उल्लू मैं कहूंगी नहीं क्योंकि मैं जगदम्बा लक्ष्मी की उपासिका हूं, उनके वाहन को कुछ कह बैठू वाहन बिगड़ गया तो लक्ष्मी जी बिगड़ जाएंगे, क्या कहूं मेरी समझ में नहीं आ रहा है, तो गधों, वैसे तो गधा भी शायद शीतला माता का सवारी है, हाँ, वो भी है, हाँ, लेकिन फिर भी अब सारी क्षमा प्रार्थना के साथ कि भाई जो टोटल एनार्की का जगह है, छोड़िए और दो चार उदाहरण, ये जो व्यक्ति है मॉर्फिक रेजोनेंस थ्योरी वाला रूपर्ट शेल्डर, रूपर्ट शेल्डर, इनका बड़ा इकोनॉमिस्ट बड़ा साइंटिस्ट है रूपर्ट शेल्डर, एक कोई किताब लिखता है जी लाइफ ऑफ साइंस मॉर्फिक रेजोनेंस की थ्योरी, तुम इसको नौकरी से बाहर कर देते हो। मेरे से उनकी मुलाकात 1993 में इंग्लैंड में हुई थी, वही डॉटनेस में शुमाकर कॉलेज, वो बेचारा भाषण दे दे के अपने 6-7-8 बच्चों का पेट पाल रहा है, ये भारत वाले कह रहे हैं जी ये तो साइंटिफिक लोग हैं, ये तो टेक्नोलॉजी वाले लोग हैं, यहाँ तो बड़े बड़े फाउंडेशंस हैं, एंडाउमेंट्स हैं। अरे भैया रूपर्ट शेल्डर जैसा बड़ा कंट्रीब्यूशन देने वाले आदमी के पास खाने का ठिकाना नहीं, भाषण दे दे के कर रहा है, और ये फ्रिट्ज़ कापरा, पहले इसने टाओ ऑफ फिजिक्स लिखा, फिर टर्निंग पॉइंट लिखा, फिर शायद तीसरा लिखा वेब ऑफ लाइफ या वेब ऑफ समथिंग सिस्टम व्यू ऑफ लाइफ, और चौथे में चर्च की चपेट में आ गया। ये तो मैं आजकल की कथा बता रही हूँ, 20वीं की समाप्ति और 21वीं का मतलब, तुम्हारा एक साइजेबल सेक्शन 21वीं शताब्दी में भी इतना डरा हुआ है, ये कोई किताब लिख रहा है तो तुम उसको सेंसर करोगे, उसको नौकरी से निकाल के बात कर दो, चलिए आइए आपके अमेरिका में, ये कह रहे हैं जी ये विमेन लिप की जगह है, और कह रहे हो जी तुम महिलाएं जो है वो एबॉर्शन नहीं करा सकती, माने सकल धंधा सकल कर्म सकल नरक कुत्ता बिल्ली की तरह पब्लिकली स्त्री पुरुष शारीरिक संपर्क कर रहे हैं, और कानून पास कर रहे हो कि तुम एबॉर्शन नहीं करा सकती, क्यों नहीं करा सकती हो, इसलिए नहीं कि वो जो अजन्मा शिशु है जो भ्रूण है वो भगवत सत्ता का अंश है, उसका आदर मान सत्कार होना चाहिए, ना तूने पाप किया विद मैन वुमन रिलेशनशिप एंड नाउ यू हैव टू बेयर द कॉन्सिक्वेंस, पाप है शैतनिक है सिंफुल है, ये आज भी चल रहा है अमेरिका में, और ये जिनके लिए
लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटेंटी का मानक है वो क्या है, गधे गधे गधे, उल्लू उल्लू ने, अहमक अहमक अहमक, मूढ़ मूर्ख, तमस में पड़े हुए मूढ़ लोग। और जैसे आप ही एक उदाहरण बता रहे थे, और ये मैंने कहीं पढ़ा कि वो कह रहे हैं जी स्त्री पुरुष नहीं, कोई ट्रांसजेंडर कौन सा जेंडर है, वो इस बाथरूम में जाएगा वो उस बाथरूम में जाएगा, अरे दो बाथरूम की जगह तीन बाथरूम बना लो यार। अब कौन से बाथरूम में कौन पेशाब करेगा, इसके लिए भी तुमको कानून चाहिए। तुम्हारा बच्चा कह रहा है हम कुत्ता है, अब तुमको उसको कुत्ता राइट देना पड़ेगा, कुत्ता राइट क्या होता है भाई। तो ये सब क्या है, एक रुग्ण सोसाइटी के लक्षण है, इनको तो समाज कहने का भी मन नहीं होता है। टॉक्सिक सोसाइटी, व्हाई सिक, बिकॉज ऑफ चर्च, बिकॉज समवेयर यू फॉरगॉट सनातन धर्म। किंतु जो आशा की प्रबल किरण मुझे नजर आती है वो है जब महिषासुर का भगवती करती हैं तो तेज पुंज निकलता है, भगवती के चरण में विलीन हो जाता है। ये सब भी जगदम्बा भगवती के अंश हैं, उनकी संतान हैं, ये भी सबके बाद पुनः सनातन धर्म के प्रकाश में आलोकित होंगे, आलोड़ित होंगे और पुनः वहां भी ज्ञान का शुभ का आनंद का सुख का समृद्धि का प्रकाश होगा। मुझे ये निश्चित मत है, निश्चित मत है, निश्चित मत। एटलीस्ट आपने आपने कुछ आशा की किरण तो दिखाई इन सबको, और ये तो इनका इतिहास है। मैं आपको स्टैटिस्टिक्स बताता हूँ, 45% ऑफ यूरोपियंस अपने आप को क्रिश्चियनिज्म से कनेक्टेड नहीं मानते, और 65% अमेरिकन्स, मैं वाइट अमेरिकन्स की बात कर रहा हूँ, सेटलर अमेरिकन्स की, वो अब अपने आप को चर्च से संबंधित नहीं मानते। 65% का पॉपुलेशन है, सिर्फ 30% वाइट जाते हैं चर्च में, और अगर हम ब्लैक कम्युनिटी की बात करें 47% जाते हैं ब्लैक कम्युनिटी में, मैक्सिकन जाते हैं 57%, मतलब सबसे ज्यादा वही जाते हैं जो कन्वर्टेड हैं, मतलब क्योंकि उनको वो तो वैसे ही पहले सनातनी थे और अभी उनको लगता है कि यहीं से उनका धर्म आने वाला है, क्योंकि कॉलोनाइजर्स ने क्या किया कि उनकी मूर्तियों को ही चर्च में चिनवा दिया, तो वो उस पाउडर जो चर्च में चिनवाया वो उसके लिए जाते थे, अब उनका कस्टम बन चुका है फैमिली का, इस तरह किया है इन्होंने। और अमेरिका में नेटिव कल्चर्स में जितने भी इनकी मूर्तियां थी नेटिव की, उसको उन्होंने तोड़कर चर्चों में चिनवा दिया। 21 मिशंस इन कैलिफोर्निया हैव रेमनेंट्स ऑफ नेटिव टेंपल्स, 21 जो हुनेपेरो सेरा ने सेटअप किए थे। तो सैन डिएगो से लेके अलकला में, सैन डिएगो में यहाँ पर से लेके नॉर्थ तक सैक्रामेंटो तक यही सब है इनका, और वहां पे करीब 5.5 लाख नेटिव लोगों को मारा गया या स्लेव बनाया गया, उनके बच्चों को जबरन कन्वर्ट किया गया। यहीं से शुरू हुआ चर्च का इतिहास, और कैलिफोर्निया में ये इतिहास है इनका। तो अभी इसको ह्यूमैनिटी बोलेंगे या गधापन बोलेंगे, आई डोंट नो व्हाट इट इज, ये तो पैशाचिक कर्म है। मैं सदा पिशाच शब्द का प्रयोग करती हूँ, असुर और राक्षस नहीं है, असुर राक्षस तो आनंद में मग्न है, भगवती की उपासना करते हैं, ब्रह्मा जी की उपासना करते हैं, शंकर भगवान की उपासना करते हैं। भक्त लोग हैं, अहंकारी बहुत हैं, लोभी बहुत हैं, उसके कारण बहुत मोह में ग्रस्त लोग हैं, ये तो पैशाचिक है, पिशाच है। बिल्कुल सही बोला आपने, बिल्कुल सही बोला, क्योंकि तो जब बोले कंटिन्यू करिए, मुझे तो बहुत आनंद आ रहा है जी। तो आज की वार्ता संक्षेप में मैंने तीन इसमें खत्म मतलब समेटने का प्रयास किया है। अगर कोई लोग इस पर काम करना चाहें, जो कि काम बड़ा उपयोगी होगा, तो अपने लोग उन सेलेक्ट लोगों के लिए, अगर आपकी इच्छा होगी, लोगों की राय होगी, तो 8-10 टॉक कर सकते।
बिल्कुल कर सकते हैं. और ऑल्सो हाउ टू डू दिस रिसर्च, अगर हम उस पर ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर सकें, हाउ टू स्टडी, जैसे आप पढ़ती हैं, कैसे आप नोट्स बनाती हैं, तो अगर हम वो कर सकें तो आई विल बी वेरी इंटरेस्टेड कि आप लोग मुझे ईमेल भेज दीजिए, इस ईमेल पे अपने नाम भेज दीजिए, विल डू अ प्राइवेट सेशन फॉर यू. अगर आप मेंबर होंगे या पेट्रियन पे होंगे, कहीं पर भी होंगे, तो आप जरूर भेजिए, विल डू अ सेपरेट सेशन फॉर यू और विल बी डन एक्सक्लूसिवली बाय प्रोफेसर कुसुमता केडिया जी. तो आप वो जरूर बिकम ए यूरोपियन एक्सपर्ट फ्रॉम अ वैदिक पॉइंट ऑफ व्यू, सनातन धर्म पॉइंट ऑफ व्यू, तब आपको समझ आएगा. क्योंकि नहीं तो हम लोगों को क्या होता है, सच दिखता नहीं है, आपको दिखता है क्योंकि आप धार्मिक हैं, लेकिन लोगों को जो धार्मिक धर्म से कनेक्टेड नहीं है उसको सच नहीं दिखेगा. उसको वो, मैं भी पहले ऐसा था, मतलब क्योंकि मैं भी इस तरह की एजुकेशन मैंने भी ली है, तो क्योंकि कंफ्यूज हो जाता था. लेकिन जब से मैंने एक्सक्लूसिवली हरिनाम पे फोकस किया है, मतलब फ्रॉम द एज ऑफ 21, तब से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई. देन आई कैन रीड पीपल, रीड थ्रू, अंडरस्टैंड थ्रू पीपल. और कुसुमदास जी, हमारा एक प्रोग्राम भी हमने लॉन्च किया है, वीकेंड गुरुकुलम. आप बता रहे थे कि सैटरडे संडे को, और एक ट्रांसेंडिंग द माइंड एक्सपीरियंस जो कि योग सूत्र पे बेस्ड है, वो कॉर्पोरेट के लिए भी लॉन्च किया है और इंडिविजुअल लोगों के लिए भी लॉन्च किया है. तो हमारे चार कोर्सेज तो ऑलरेडी चल रहे हैं यूनिवर्सिटीज में, और आपको दर्शकों को बता दूं 5,000 लोग ऑलरेडी साइन अप कर चुके हैं. और सारे प्रोग्राम्स हमारे फ्री होते हैं एक्सेप्ट द कॉर्पोरेट वन. वहां पे हम लोग फीस पे चार्ज करते हैं बिकॉज द कॉर्पोरेट डोंट लाइक एनीथिंग टू बी फ्री. और हम लोग रिलीजियस कॉर्पोरेशन है, तो हम लोग कहीं कॉर्पोरेट में एज ए रिलीजियस कॉर्पोरेशन डोनेशन नहीं ले सकते. सो दैट इज द रेस्ट्रिक्शन, दैट्स व्हाई वी हैव डन इट. अदरवाइज हम प्रोग्राम्स को फ्री रखना चाहते हैं, इट विल बी जस्ट फंडेड ऑन डोनेशंस ओनली. सो थैंक यू वेरी मच कुसुमता जी. और दर्शकों को भी बता दूं कि अभी जो है हमारा नया लिट फेस्ट का प्रोग्राम प्लानिंग शुरू हो चुका है. इस बार 7 सेशंस हैं, और तो इफ यू ऑल वांट टू सपोर्ट और फंड इट और स्पॉन्सर इट, यू आर वेरी वेलकम टू डू दैट. सो August 24, 2024 जन्माष्टमी का ओकेजन है, एज यूजुअल पोस्ट जन्माष्टमी रहेगा हमारा इवेंट. तो वहां पे पिछले साल भी बहुत सुंदर जन्माष्टमी का आयोजन हुआ था, और हम लोग कृष्ण जन्माष्टमी के ही उत्सव पे करते हैं हम लोग, लेकिन हम सभी लोग महादेव के भी भक्त हैं. तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ भगवान कृष्ण की भक्ति का मतलब सभी की भक्ति, सभी देवताओं की भक्ति और मनुष्यों की भी, जैसे कृष्णदा माँ है तो उनके जैसा. थैंक यू वेरी मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट शो. नमस्कार सबको, नमस्कार आदित्य जी को भी, और जय जगन्नाथ. जय जगन्नाथ. एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए. हम लोग 91,000 पहुंच चुके हैं, सो वी शुड एटलीस्ट रीच 100,000 इन दिस मंथ. थैंक यू वेरी मच.